नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले कई दफा विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हार्ट अटैक आया था और अस्पताल के दौरान उनका निधन हो गया था और उनको गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद से मुख्तार अंसारी के परिजनों को तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा, तो वहीं कल संजय निषाद ने भी परिवार के लिए संवेदना व्यक्त किया। तो वहीं ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी हैं, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोग जाकर उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दिए। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गाजीपुर पहुंच गए। जी हां, बात करें तो मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे हैं। वह शोक जताने के लिए फाटक स्थित सांसद अफजाल अंसारी के घर पहुंचे। इस दौरान कड़े सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा है। इस क्रम में अखिलेश यादव भी रविवार को गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे कालीबाग स्थित कब्रिस्तान भी पहुंचे। वहां मुख्तार के कब्र पर फूल अर्पित करके अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डीएम और एसपी के साथ ही पुलिस की भारी टीम व पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। अखिलेश यादव के आगमन की सूचना मिलते ही अफजाल के आवास के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी। हालांकि भीड़ के साथ मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को भी अंदर जाने से रोका गया है। आपको पता होगा कि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं और वो गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का टिकट अफजाल अंसारी को दिया है और अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में भी हैं। इस कड़ी में अब जो है अखिलेश यादव उनके परिजनों को सांत्वना देने के साथ साथ अफजाल अंसारी के लिए चुनावी माहौल भी बना दिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव जिस तरीके से पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है 2024 में अफजाल फिर से जीत पाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।